लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम कैसी मैम। हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आदाब। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, आप बताइए। हकीम साहब, मैं ये जानूं, जैसे आवाज मैम, मेरे दो सवाल हैं। जी जी ठीक जी बोलिए बोलिए। जी मैम, ये जानना, जैसे आवाज बैठ जाती, जैसे कभी ज्यादा बोलने पे या कुछ गाने पे उसपे, तो वो आवाज के लिए हकीमी नुस्खा क्या होना चाहिए, ये जानना था कि ठीक जल्दी है। से मतलब सही हो जाए। और दूसरा ये है, जैसे आंवला एक खाना चाहिए, तो अगर वो सूखा आंवला है तो वो कितने ग्राम खाना चाहिए, 1 ग्राम खाना चाहिए, 2 ग्राम, या मतलब कितने ग्राम में खाना चाहिए, ठीक है। ये जानना है। आंवला अगर सूखा हुआ है तो आधा से 1 ग्राम आंवला एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आवाज़ के लिए यूनानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आती है मुलेठी, जो पनवाड़ी भी पान में मिलाकर देता है आपको अक्सर, वो है फौरी तौर पर फ़ायदे के लिए। या पीपले हैं, पीपले आपके किचन में गर्म मसालों में होती है, वो आधी पीपल चूस कर चबा कर खाने से भी आवाज़ ठीक होती है। लेकिन सबसे अच्छा नुस्खा मैंने जो पाया वो ये कि मेथी का पाउडर 2 चुटकी, मेथी के दाने का पाउडर 2 चुटकी 3 चुटकी गर्म पानी में डालें, और खाने का सोडा 1-2 चुटकी गर्म पानी में मिलाकर इसको चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पी लें। ये फौरी तौर पर हमें फायदा पहुंचाता है। पूना से हैं मंशा राम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। मैडम नमस्कार सर। उन्नाव से बोल रहा हूँ, मंसाराम। अच्छा, उन्नाव से हैं जी सर, बताएं जी बताएं। हाँ मैडम, हमको बवासीर है, कुछ दाने से लग रहे हैं। और ठीक है। बादी बवासीर है। तो और सर उसमें, और हम चिलगोजा मंगाए थे, तो चिलगोजा तो कैसे लेना है, उसको रखा हुआ है। और नमक जैतून मैं 2 महीने से ले रहा हूँ करीब, या पी केयर भी ले सकते हैं क्या इसके साथ में? क्या ठीक है सर जी। हाँ, पी केयर लें तो बहुत अच्छा है। और पी केयर लें तो ऐसे लें कि सौंफ, धनिया और अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, सौंफ, धनिया और अलसी, और इसका 1 चम्मच पाउडर खाएं और 1 कैप्सूल पी केयर खाएं, या नमक जैतून आप खाएं 2 चुटकी पानी मिला के इसके साथ, तो आपको जल्दी फायदा होना मुमकिन है।